किसान मुद्दे को लेकर शीत सत्र के पहले ही दिन विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने स्थगन प्रस्ताव रखा, मगर इसे खारिज कर दिया गया। इसमें विधायक नाना पटोले ने सरकार पर प्रहार किया है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बेमौसम बारिश से किसानों का नुकसान हो रहा है, मगर सरकार इस मामले में झूठे जवाब दे रही है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। पैमाने में किसानों का फसल की नुकसान हुई तो ये बार बार किसानों का नुकसान होने से बड़े पैमाने में अन्नदाता और किसान इस राज्य का आत्महत्या कर रहा है, और इसलिए आज हमने ये स्थगन लाया था और स्थगन के आधार पर सरकार को हम जवाब पूछना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जवाब देने के जगह झूठ की बातें वहाँ रखी, झूठ का पिटारा वहाँ पे खोला और किसानों को मदद न देने की व्यवस्था हमने घोषणा तो की है लेकिन मदद अभी तक नहीं मिली, और उससे किसानों की बड़े पैमाने में आत्महत्या यहाँ पे हो रही है। हमारी आज भूमिका ये थी कि आज कोई कामकाज था नहीं तो सरकार ने इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और तुरंत किसानों को मदद देना चाहिए, ये मांग हमारी कांग्रेस की थी। लेकिन महाराष्ट्र में जो किसान विरोधी सरकार जो है, बीजेपी प्रणीत सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये स्पष्ट हो चुका है।